हेलो फ्रेंड्स, चटपटी तारा का जायका चैनल के किचन में आज बन रही गरम गरम आलू बंडे। तो चलिए आप भी इस जर्नी में शामिल हो जाइए हमारे साथ। गरम गरम आलू बंडे बनाते हैं और जिसके मज़े लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गरम गरम आलू बंडे कैसे मैंने बनाए, चलिए बनाते हैं गरम गरम आलू बंडे। आलू बंडे बनाने के लिए मैंने 4 से 5 आलू लिए थे उबले हुए, जिनको मैं कद्दूकस कर लूँगी। फ्रेंड्स, कद्दूकस करने से क्या होता है कि आलू कभी कभी हम ऐसे हाथों से मैश करते हैं ना, तो कुछ आलू उसमें बच जाते हैं मोटे मोटे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता खाने का। इसलिए कद्दूकस कर लेना तो ये अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। तो आलू हमने सारे कद्दूकस कर लेने हैं और इसके बाद हमने इसका तैयार करना है बैटर, यानी कि बेसन का हमने बैटर तैयार करना है। फ्रेंड्स, बेसन के लिए मैंने 4 से 5 चम्मच बेसन के डाल रही हूँ इसमें। बेसन जैसे मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, उसी तरह से मैंने 5 से 6 बेसन के चम्मच लिए हैं फ्रेंड्स। और इसका बैटर एक बनाएंगे। इसमें हमने अब डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च और हल्दी। नमक, मिर्च और हल्दी डाल के हमने इसमें थोड़ी सी ना हींग भी डालनी है। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हमने इसमें थोड़ी सी हींग डालनी है। साथ में हमने थोड़ा सा गरम मसाला भी इसमें यूज़ किया है। अभी हमने इसका बैटर बनाना है फ्रेंड्स, और इसमें ना हमें अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी, एकदम से पानी डालेंगे तो फिर वो पतला ना हो जाए, इस कारण से हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको चम्मच की मदद से हिला लेते हैं और इसका एक बैटर बना लेते हैं। और बैटर ऐसा होना चाहिए जिसकी कंसिस्टेंसी फ्लोइंग हो, मतलब कि ऐसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ना पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, ऐसा बैटर चाहिए हमें। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छी तरह से फेंट के, अच्छी तरह से हमने इसको फेंटना है बेसन को, और इसको बनाना है ताकि परफेक्ट गोला हमारे आलू बंडे बन सके। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। ये बेसन का घोल हमारा तैयार हो गया है, कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है। थोड़ी देर हम इसको अलग करके रख देते हैं और इधर पर हम आलू की फिलिंग बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये बेसन तो हमारा घुल गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी आ गई इसकी। अब इसकी हम आलू की फिलिंग बना रहे हैं फ्रेंड्स। एक कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल गरम कर लिया मैंने ऑलरेडी। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है 1 चम्मच, और इसमें अब हमने थोड़ी सी हींग डाल देनी है। इस टाइम पे हमने उस टाइम पर भी डाली थी आलू में, इधर भी डालनी है हींग। साथ में थोड़े से मटर डालने हैं, फ्रेश मटर है फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत अच्छे फ्रेश मटर आ रहे हैं। अभी विंटर सीजन है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको हमने थोड़ा सा ढक करके गला लिया है। इस टाइम पर हमने इसमें हरी मिर्च काट के रखी थी, वो इसमें मिक्स करेंगे। साथ में हमने बारीक प्याज भी काट के रखे थे। प्याज डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा क्रंच आता है, मज़ा आता है खाने का। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने प्याज डाल लिया। इस टाइम पर हम इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालेंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा सा हम इसमें अमचूर डालेंगे। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें अमचूर इस टाइम पे डालेंगे। बस ये हमारा बढ़िया नमक मिर्च का मसाला मिल गया। अब इसमें हमने जो आलू मैश करके रखे थे इसमें मिक्स कर देंगे, और ये हमारा आलू का बढ़िया मिक्स करके हमने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है फ्रेंड्स। और ये हमारे आलू मैश होके इसका जो फिलिंग है ना आलू बंडे की, यही मेन होती है, और ये बहुत बढ़िया बन गई है। इसको हाथ में हमने लेना और इसके लड्डू बना लेने हैं बस आलू बंडे के। इस तरीके से हमने एक एक लड्डू बना के प्लेट में रखते जाना है। कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत लगती नहीं, 5 से 10 मिनट लगते हैं और बढ़िया हमारे आलू बंडे बनकर हो जाएंगे रेडी। आलू बंडे हमारे लड्डू बनकर हो गए रेडी। अब इसमें हमने क्या करना है कि बेसन की कंसिस्टेंसी देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। इसमें अब हमने क्या करना है, एक एक आलू बंडे को प्रेस करना है, जो हमने फिलिंग है इसको प्रेस करके इसमें डालते जाना है, और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, इस बात की गारंटी है। इसको हमने चम्मच की मदद से ही तेल में डालना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, और हमने एक एक करके चम्मच की मदद से ही इसको इसमें डाल देना है।
अभी विंटर सीजन चल रहा है तो आलू बंडे खाने का अलग ही मज़ा आता है, यानी कि मटर भी आ रहा है और तो अलग ही मज़ा आता है। नया आलू आ रहा है अभी मार्केट में, तो उसके साथ आलू बंडे बनाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। कुछ भी बनाओ, आलू बंडे बनाओ, ब्रेड के कटलेट बनाओ, तो वो मटर बन भर के बनाओ, मटर खूब आ रहा है तो उसका यूज़ करना चाहिए हमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ना आलू बंडे इस तरीके डालने हैं और इसको ना मीडियम आंच पे, सिम टू मीडियम आंच पे ही बनाना है। एक बात आप नोट कर लीजिए, सिम टू मीडियम आंच पे ही बनाना है। अगर हम तेज आंच पर डालेंगे ना आलू बंडे, हम डाल देंगे और तेज आंच में बनाएंगे तो आलू बंडे ऊपर से तो हमें लगेगा बन गए हैं और अंदर से वो बेसन जो है ना वो कच्चा कच्चा रहता है, तो फिर वो स्वाद नहीं आता। इसलिए हमने आलू बंडे को यानी कि तेल जो है ना हमें सिम टू मीडियम पे ही रखना है। इससे ज़्यादा हमें फुल आंच पर आलू बंडे नहीं तलने हैं। ये देखिए हमारे मस्त आलू बंडे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए आपको कलर से ही पता चल रहा होगा कितने मस्त बने आलू बंडे। बस इसी तरीके हमने एक प्लेट निकाल ली है, दूसरी प्लेट में भी ऐसे ही डालना है फ्रेंड्स। बस चम्मच से हमने आलू बंडे निकालने हैं और इसमें डालने हैं, डालते जाइए और बहुत ही टेस्टी बने थे फ्रेंड्स आलू बंडे। और कोई आलू बंडा मेरा टूटा नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आलू बंडा टूट जाता है, हम हाथ से डालते हैं और हमारे हाथ की छाप भी आ जाती है आलू बंडे में, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने बढ़िया फूले फूले आलू बंडे बने, जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी सोडे का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये देखिए कितने बढ़िया फूले फूले बने। तो फ्रेंड्स ये आलू बंडे मेरे हो गए बनकर रेडी। इसको मैं निकाल लूँगी अपनी प्लेट में और हमने तो अपने आलू बंडे तैयार कर लिए हैं। हमारा नाश्ता आज यही हो रहा है फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी फॉलो करके आप ज़रूर आलू बंडे को बनाइए, आप लोग भी बनाते होंगे तो इसको आप भी ट्राई करिए। और इस तरीके मैंने सारे आलू बंडे बनाकर निकाल लिए फ्रेंड्स और मेरी प्लेट में तो आलू बंडे आ गए हैं। इसको हम टमाटो केचप के साथ और साथ में हरी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जो कि आपके राइट साइड पे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं अपना आलू बंडा एंजॉय कर रही हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।